संध्या पर डीजे पूर्वतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने घुसाते चोरों को किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। पुलिस अधीक्षक जबलपुर अमित सिंह ने कंट्रोल रूम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर क्लब एवं होटल में कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी संचालकों की बैठक एडीएम संदीप जी आर अति पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर संजीव उई की उपस्थित में ली। आयोजित बैठक में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों के अलावा समस्त नगर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त थाना प्रभारी शहर उपस्थित थे। बैठक में पुलिस कप्तान ने सभी का आवश्यक निर्देश भी दिए और कहा कि चिन्हित स्थानों पर शादी वादी में जवानों को लगाया गया है जो अवांछनीय तत्वों पर निगाह रखेंगे। बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं होंगे। नए वर्ष के पूर्व संध्या पर डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हमारा फोकस ये रहेगा कि ड्रंकन ड्राइविंग करके कोई एक्सीडेंट ना हो। हमारा फोकस ये रहेगा कि कोई विवाद होटल के अंदर ना हो। हमारा फोकस ये रहेगा कि फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें ना हो। हमारा फोकस ये रहेगा कि किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट से कोई आगजनी ना हो। हमारे थाना प्रभारियों को हमने ब्रीफ किया है, किसी भी तरीके की समस्या से निपटने के लिए जबलपुर पुलिस सक्षम है, प्रशासन सक्षम है और हम जाके इसको चेक भी करेंगे। जहां भी ऐसी चीजें हो रही हैं वहां पर जो रिक्वायर चीजें हैं, इक्विपमेंट वो है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, जो फिटिंग हुई है बिजली के तारों की वो ठीक तरीके से नाम के अनुरूप हुई है कि नहीं हुई है। हर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के एक नाम्स होते हैं, उनको प्रशासन और पुलिस के लोग जाके चेक करेंगे। आज जो बड़े आयोजन होने हैं उनकी सूची हमारे पास आ चुकी है, व्यवस्था हमने निकाला है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि 31st का जो सेलिब्रेशन है वो विदाउट एनी इंसिडेंट हो। अगर 5-6 अपराध पेंडिंग है तो अगर आंकड़े देखे जाए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इसे एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसको फेस करेंगे। जहां तक अपराधों की बात है तो 2019 में विभिन्न मदों में गिरावट आई है। इस आंकड़े के अंगणित में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जनता के पास पुलिस का रिपोर्ट कार्ड है और मैं मानता हूँ कि हमने पिछले एक साल में अच्छी पुलिसिंग की है। पुलिस की जो छवि है जनता के बीच उसमें निश्चित तौर पे और अच्छा सुधार हुआ है। 2020 में भी हमारा टारगेट यही रहेगा। हम अंकों की जगलरी में, आंकड़ों की जगलरी में नहीं फंसेंगे, सीधे जनता से संवाद करेंगे और विश्वास जनता को दिलाएंगे कि जबलपुर की पुलिस आपके सुख दुख में आपके लिए इंस्टेंट जस्टिस के लिए तत्पर है। जबलपुर की मदन महल पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक ठेकेदार के यहाँ से तकनीकी मशीन, मोबाइल और एक बैटरी चोरी की थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को स्नेह नगर में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी शातिर बदमाश है जिस पर अलग अलग थानों में 38 मामले दर्ज हैं। अभी 2 दिवस पूर्व यहाँ नाले के ऊपर जो इनका नाले का ठेकेदार है उसके ऑफिस में चोरी हुई थी, तो एक उसकी कोई टेक्निकल मशीन थी और इसके अलावा एक बैटरी, एक मोबाइल चोरी हुआ था। उसकी सरगर्मी से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। कल हमारी टीम ने श्रीनगर में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। उसमें एक व्यक्ति संतोष पलटनिया है, दूसरा राजेश पांडे है। दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं। ये दोनों ही, जिसमें संतोष पलटनिया चोरी और लूट के अपराध में सजायाफ्ता भी है, हाल ही में जेल से छूटा है। इसके ऊपर 38 अपराध हैं। गोरखपुर और गढ़ा दोनों थानों में इसके अपराध हैं। इसके बाद नकबजनी के एक हथियार भी मिला। इसे जब सख्ती से पूछताछ करी, मुखबिर ने जब उस फोटो को पहचाना, जो फुटेज प्राप्त हुए वहाँ उस ऑफिस में, उस फुटेज के माध्यम से जब पहचान करी तो यही व्यक्ति निकला। जब उससे पूछताछ की गई तो समस्त माल उसके घर से बरामद हो गया है और इन सभी को 457-380 के अपराध में जेल भिजवाया जा रहा है।